तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशंस। एंड दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट एवर लेक्चर ऑन दिस टॉपिक डिलीवर्ड बाय मी, क्योंकि पहले क्या ये सिर्फ जेई मेन में आता था ये टॉपिक, तो बहुत ही छोटा 2 पेज का एनसीईआरटी का बस बताने से काफी हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, लास्ट ईयर से ये एडवांस में इंक्लूड हो गया, तो वी नीड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑन दीज टू थिंग्स, फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा रिसर्च करके तुम लोगों के लिए नोट्स बनाए, एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या सबसे पहले डैम्ड ऑसिलेशन, उसके बाद फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो देखो, डैम्ड ऑसिलेशन में होता क्या है, इमेजिन करो कि मेरे पास सबसे पहले ये सिस्टम देखो, राइट साइड पे ये मेरे पास कोई स्लाइडर है, ब्लॉक है जो स्लाइड कर सकता है, ठीक है, आगे पीछे स्लाइड कर सकता है ये ब्लॉक। और क्या कहते हैं, इसमें एक तो स्प्रिंग जुड़ी हुई है, जैसे एसएचएम में हमेशा जुड़ी रहती थी, ठीक है। उसके अलावा एक नई यूनिट यहाँ पे जुड़ी हुई है जिसको हम डैम्पर कहते हैं, ठीक है। डैम्पर भी कहते हैं और डैशपॉट भी कहते हैं, दोनों चीजें कहते हैं। तुमको पता है कि विस्कस फोर्स जो होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, राइट, 6 पाई ईटा आर जैसे स्फेयर के लिए होता है, और दूसरी भी ज्योमेट्री है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी के तो प्रोपोर्शनल होगा विस्कस ड्रैग, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ और हो सकता है। तो इसमें है क्या, बेसिकली एक पिस्टन है और यहाँ पे जनरली ऑयल फील्ड रहता है, तो ऑयल के बीच में अगर पिस्टन आगे पीछे जाएगा तो तुम्हें पता है उसके अंदर विस्कस डैम्पिंग लगेगी, राइट। तो ये जो डैम्पर है, ये जो फोर्स देता है, ये किसके प्रोपोर्शनल देता है, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल फोर्स देता है, ठीक है। और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है मेरा, सी। सी को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। डैम्पिंग कांस्टेंट कह सकते हैं स्प्रिंग के लिए, डैम्पिंग कोफिशिएंट इज अनदर थिंग व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग कांस्टेंट, समझ गए। तो अभी होगा क्या, जैसे मान लो कि ये जो ब्लॉक है, ये मान लो एक्स डिस्टेंस आगे मेरा चला गया, तो इस पर फोर्सेस क्या लगेंगे, पीछे की तरफ एक के एक्स फोर्स लगेगा, ठीक है, और क्या लगेगा, पीछे की तरफ एक सी एक्स डॉट फोर्स लगेगा, क्यों, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, राइट। तो अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होने वाली है, तो देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, माइनस के एक्स एंड माइनस सी एक्स डॉट, दैट शुड बी इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, ठीक है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ कुछ तो एस एच एम जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, क्या इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा और आ गया, सी एक्स डॉट, राइट। एसएचएम में वेलोसिटी डिपेंडेंट कोई भी टर्म नहीं होता था, है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं। और हम चाहें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरे को एम से डिवाइड करके इस फॉर्म में भी रीअरेंज कर सकते हैं, एक्स डबल डॉट प्लस सी बाय एम एक्स डॉट प्लस के बाय एम टाइम्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो फॉर्मेट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे एसएचएम की स्टैंडर्ड डिफरेंशियल क्या थी, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ, एक और स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लोगों की, जिसको डैम्ड ऑसिलेशन की स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वो किस फॉर्मेट की होती है, एक्स डबल डॉट प्लस टू बीटा एक्स डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इस फॉर्मेट की है ना, ये फॉर्मेट तो इसका यही है, बस क्या है, यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो के बाई एम है, ठीक है, और टू बीटा जो है मेरा क्या है, सी बाई एम। ध्यान रखना मैंने बीटा नहीं रखा, टू बीटा रखा है, वो कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बीटा तुम देखोगे कि बहुत जगह पे सोल्यूशन में आते रहेगा, तो हर जगह फिर अगर बीटा पुट करता, यानी सी बाय एम को बीटा पुट करता, तो सब जगह बीटा बाय टू टाइप के गंदे गंदे से फ्रैक्शंस नजर आते। तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने इसको टू बीटा पुट किया, ना कि बीटा पुट किया, ठीक है। सी बाय एम को क्या पुट किया हमने, टू बीटा पुट किया फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। तो ये जो है हमारी, ये हमारी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्ड ऑसिलेशन की, और इसमें ओमेगा नॉट क्या, रूट के बाय एम, और टू बीटा क्या है मेरा, सी बाय एम, यानी हम बीटा को सी बाय टू एम भी कह ही सकते हैं, ठीक है। इतना तक क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है किस तरह से बनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप मेन बात तो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई, सॉल्व कैसे करनी है ना, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो ये इसकी टेक्निक अभी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, ओमेगा नॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर डैम्पिंग नहीं होती तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती सिस्टम की, राइट। मान लो बीच वाला टर्म जीरो होता, सी जीरो होता, तो रूट के बाय एम से ऑसिलेट करता ना सिस्टम। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा वुड बी द सिस्टम्स ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हैड देयर बीन नो डैम्पिंग। टू हैंडल डैम्प्ड ऑसिलेशंस वी शैल लर्न टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्म। तो दिस शुड बी नॉट फ्रॉम, दिस इज फॉर्म, FORM फॉर्म, ओके। तो इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, तो सब लोग ध्यान से समझो तरीका, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी में बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट अभी हम लोग टेक्निक समझ लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है, ए एक्स डबल डॉट प्लस बी एक्स डॉट प्लस सी एक्स इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्म की है ना अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एलाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, क्या करते हैं, ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू जीरो बना लेते हैं, ठीक है। जहां पे सेकंड डेरिवेटिव है वहां पे लैम्डा का स्क्वायर ले लिया, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव है वहां पे लैम्डा ले लिया, और जहां पे एक्स है वहां पे हमने खाली सी को एज इट इज रख दिया, इट इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा इंट्यूशन भी दे देता हूँ ये कहां से आता है। अगर मान लो एक्स को मैं ई टू द पावर लैम्डा टी रखता हूँ,
तो मुझे पता है डबल डेरिवेटिव में लैम्डा स्क्वायर ई टू द पावर लैम्डा टी आएगा, और एक्स डॉट में लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा टी आएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें बस ई टू द पावर लैम्डा टी रहेगा। तो ई टू द पावर लैम्डा टी कॉमन ले लोगे अगर बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा हमारा, ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एलाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। तो ये एलाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। तो दो रूट्स होंगे इसके, है ना, तीन केसेस बन सकते हैं, या तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, या रिपीटेड रूट्स होंगे, या फिर हमारे इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स होंगे, राइट। तो इन तीनों केसेस में हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, एक्चुअली हम जो इंटरेस्टेड हैं जेई के पर्पज से, हम लोगों का हमेशा ही कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में इंटरेस्ट रहेगा। इनफैक्ट क्योंकि रियल सॉल्यूशन में ऑसिलेटरी सॉल्यूशन नहीं आता है, जब भी रियल रूट्स आते हैं तो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो डैम्ड ऑसिलेशन मतलब हम बोल ही रहे हैं कि ऑसिलेटरी सॉल्यूशन, इज इट नॉट। तो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन कब आता है, जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो बाय द वे अगर मान लो हम केसेस की बात कर लेते, तीन केसेस में किस किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो पहला केस क्या है, अगर मान लो लैम्डा वन और लैम्डा टू रियल और डिस्टिंक्ट है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स का फॉर्म एक्स टी विल बी ए ई टू द पावर लैम्डा वन टी प्लस बी ई टू द पावर लैम्डा टू टी, ठीक है। और ए और बी किस बात पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। तुम्हें पता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे ना इंटीग्रेशन के, जो कि किस पे डिपेंड करेंगे कि इनिशियल किस पोजीशन से छोड़ा और इनिशियल कितनी वेलोसिटी से छोड़ा। तो यहाँ पे ए और बी दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, और जैसा कि देख सकते हो ये ऑसिलेटरी सोल्यूशन तो नहीं है, ये तो एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन है, इज इट नॉट, ठीक है। तो हमारे केस में रियल रूट्स नहीं आएंगे, हम देखेंगे हमारा जो सिस्टम बनेगा उसमें कोएफिशिएंट्स ऐसे हैं कि कभी भी रियल रूट्स नहीं आएंगे हमारे, ठीक है। अगर रूट्स रिपीटेड है हमारे तो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन के लिए मतलब रियल रूट्स नहीं आएंगे, मतलब रियल रूट आ सकता है लेकिन अभी देखते हैं। अगर हमारे रिपीटेड रूट्स हैं, मतलब लैम्डा वन और लैम्डा टू बराबर है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ए ई टू द पावर लैम्डा टी प्लस बी टी ई टू द पावर लैम्डा टी, ठीक है। ये जो केस होता है इसको, ये कब आएगा ऐसा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये ऐसा कब आएगा, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्पिंग, मतलब देर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डैम्पिंग। तो मैं अभी इसको समझाता हूँ कि डैम्पिंग की डिग्री से क्या मतलब है। सब लोग इमेजिन करो कोई दरवाजा, सबने सबने देखा है ना ऑटोमेटिक डोर क्लोजर लगा होता है, तो दरवाजा खोलते हो अपने आप स्प्रिंग से वापस आ जाता है, देखा है कि नहीं, सबने देखा ना, बहुत सारे ऐसे दरवाजे होते हैं, खोलते हैं और वापस आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, क्या वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऑसिलेट करते रहता है, या फिर ऑसिलेट करके रुक जाता है एक जगह, फाइनली ऑसिलेट करके रुक जाता है, देखा है कि नहीं, दरवाजा खोलते हो छोड़ते हो थोड़ा बहुत ऑसिलेट करता है, टक 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 टक, और फिर उसके बाद रुक जाता है। अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी डैम्पिंग है, डैम्पिंग मतलब ऑब्वियसली डैम्पिंग जीरो होगी तो फिर तो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक दरवाजा ऐसे खटखट खटखट चलते रहेगा हमेशा, कभी स्टॉप ही नहीं होगा, इज इट नॉट। अब थोड़ा सा डैम्पिंग दोगे तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी का थोड़ा थोड़ा लॉस होते जाएगा, इज इट नॉट। तो क्या होगा, ऑसिलेट करके वहां पे जब पहुंचेगा तो उस साइड का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा, वापस लौट के आएगा फिर थोड़ा कम एम्पलीट्यूड होगा, ऐसे एम्पलीट्यूड घटते 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 फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगा, इज इट नॉट। अब डैम्पिंग और ज्यादा है तो क्या होगा, मीन पोजिशन को और कम ओवरशूट करेगा, इज इट नॉट। और ज्यादा डैम्पिंग तो और कम ओवरशूट कर, इट टर्न्स आउट कि अगर डैम्पिंग एक लिमिट से ज्यादा कर दी, देयर सम क्रिटिकल अमाउंट ऑफ डैम्पिंग, जब क्या मीन पोजीशन तक जाएगा और उसके बाद उसको क्रॉस ही नहीं करेगा, मतलब एक्सपोनेंशियली उधर से छोड़ दिया तुमने तो एक्सपोनेंशियली जाके वो एकदम मीन पोजीशन पे जाके रुक जाएगा और उसको नॉन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। ये भी समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हुई दरवाजे के हिंज में तो वो धीमे धीमे करके जाएगा और मीन पोजीशन पे जाके रुक ही जाएगा, उसके बाद मीन पोजीशन को क्रॉस नहीं करेगा। और भी ज्यादा अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो गई तो फिर क्या होगा, फिर वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पे जाके फिर भी मीन पोजीशन पे रुकेगा लेकिन टाइम और ज्यादा हो जाएगा, इज इट नॉट। तो अक्सर हम लोग इंजीनियरिंग में किस तरह के सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं, हम इंटरेस्टेड होते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। जनरली जैसे दरवाजा डोर क्लोजर ही बनाना है तो तुम डोर क्लोजर में ये नहीं चाहोगे कि दरवाजे को खोला और उस साइड से कोई बंदा है तो धड़ाक से उसकी नाक में लगे क्रॉस करके, इज इट नॉट। यू वुड लाइक दैट दिस डोर शुड क्लोज एट द मेन पोजीशन एंड इट शुड नॉट गो एनी फर्दर, बट दैट क्लोजर शुड बी फास्टेस्ट क्लोजर, इज इट नॉट। बहुत मतलब फास्ट क्लोजर होगा तो क्या होगा, एसी है जैसे, तो एसी की मतलब जैसे ठंडक बाहर निकल जाएगी अगर दरवाजा देर तक खुला रहा, तो हमारा डिजायरेबल क्या होता है, हमारा डिजायरेबल होता है कि नॉन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन हो और क्विकेस्ट नॉन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन हो। डैम्पिंग बहुत ज्यादा कर दी तो भी नॉन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। डैम्पिंग बहुत कम कर दी तो फिर ऑसिलेटरी सॉल्यूशन मिलेगा, इज इट नॉट। तो देयर समथिंग कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। तो इट टर्न्स आउट जो रिपीटेड रूट्स वाला जो सॉल्यूशन है इट करेस्पॉन्ड्स टू क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी बात और करेंगे जेई के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत ज्यादा हम लोग इसकी बात नहीं करने वाले क्रिटिकल डैम, वील बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट अंडर डैम्ड ऑसिलेशन। अंडर डैम्ड मतलब डैम्पिंग इतनी है कि ऑसिलेटरी सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड अंडर डैम्ड मोशन, ठीक है। तो अंडर डैम्ड होती है, क्रिटिकल डैम्पिंग होती है फास्टेस्ट क्लोजर एट द मेन पोजीशन, और देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग में क्या, क्लोजर मेन पोजीशन पे मिलेगा लेकिन टाइम और ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। नहीं तो एनीवे,
तो क्रिटिकल डैम्पिंग में हमारा जो आता है ये रिपीटेड रूट्स आते हैं, और सॉल्यूशन किस फॉर्म का होता है, ए ई टू द पावर लैम्डा टी प्लस बी टी ई टू द पावर लैम्डा टी, ठीक है। और फिर उसके बाद लैम्डा वन और लैम्डा टू अगर कॉन्जुगेट पेयर हैं, लेट अस से माइनस बीटा प्लस माइनस आयोटा ओमेगा इस फॉर्म का, ठीक है, माइनस बीटा प्लस माइनस आयोटा ओमेगा के फॉर्म का अगर हमारा है, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इस फॉर्म का हो जाता है, क्या, ई टू द पावर माइनस बीटा टी इंटू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, इस फॉर्मेट का हमारा सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कब आएगा हमारा, व्हेन डैम्पिंग इज नॉट वेरी लार्ज, अवर मेन फोकस विल बी ऑन दिस फॉर्म फॉर जेई पर्पसेस, हम ऑसिलेटरी सॉल्यूशंस पे ही हम लोग जेई के लिए हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल प्रैक्टिस इन सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो एक एक एग्जाम्पल तीनों तरह का हम कर लेंगे, ठीक है, तीनों केसेस का एक एक एग्जाम्पल कर लेंगे। अच्छा वैसे पहले बिफोर आई गिव यू सम प्रैक्टिस, यहाँ पे एक देख लेते, तो अपनी स्टैंडर्ड जो डैम्ड हार्मोनिक हमारी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका क्या फॉर्म था, एक्स डबल डॉट प्लस टू बीटा एक्स डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यही था ना। तो इसके जो रूट्स आएंगे इसी तरह से आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, तो दिख रहा है इसी तरह के रूट्स आएंगे दोनों। तो अभी क्या है, अगर मेरा फोर बीटा स्क्वायर फोर ओमेगा नॉट स्क्वायर से बड़ा हो गया, सॉरी एक मिनट देना, हाँ बीटा कम हो गया, सॉरी फोर बीटा स्क्वायर मेरा फोर ओमेगा नॉट स्क्वायर से कम हो गया, यानी बीटा जो है मेरा ओमेगा नॉट से कम हो गया, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स चले जाएंगे, इज इट नॉट। तो डैम्पिंग अगर कम होगी तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे, इज इट नॉट। और बीटा अगर ओमेगा नॉट के बराबर हो गया तो फिर रिपीटेड रूट्स आएंगे, वो हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग के केस वाला हो जाएगा, ठीक है। और बीटा अगर ज्यादा हो गया ओमेगा नॉट से, तो फिर तो हमारा क्या कहते हैं, तब तो ओवर डैम्पिंग का केस है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो हमारे दो रूट ये आ गए, लैम्डा वन और लैम्डा टू, इसमें हम चाहें तो आयोटा बाहर निकाल के बीटा और ओमेगा की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, मैंने बोला था ए इट और माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और बीटा तो हमारा पॉजिटिव ही है, ठीक है, बीटा तो हमारा पॉजिटिव ही है ना, डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी तो कभी नेगेटिव होता नहीं, वेलोसिटी के अगेंस्ट ही होता है वो फोर्स जो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये सोल्यूशन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, एक्सपोनेंशियली और किसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती जहां पे सी नेगेटिव होता तो वो ग्लोइंग अप सॉल्यूशन होता है इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग सॉल्यूशन, लेकिन हमारे केस में जो है डैम्पिंग में हमेशा सी हमारा पॉजिटिव होगा। तो मैथमेटिक्स में दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी एग्जिस्ट करता है, दूसरा केस जहां पे सॉल्यूशन धीमे धीमे ब्लो अप करने लगता है, समझ गए कि नहीं, यानी वो कैसा होगा, जैसे डैम्ड ऑसिलेशन का वीडियो को रिवर्स में प्ले कर दिया तो वो ऐसे ऐसे करके एकदम बढ़ता हुआ दिखेगा, इज इट नॉट। लेकिन हमारे केस में सी तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना, तो सी बाई टू एम भी हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो बीटा हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमेशा ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सॉल्यूशन आएगा, राइट, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। और ए और फाई क्या है, यहाँ पे ए और फाई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि डिपेंड करेंगे इनिशियल क्या कंडीशन से छोड़ा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, खुद से ट्राई करना चाहोगे इसको सॉल्व करना, एक्स डबल डॉट प्लस थ्री एक्स डॉट प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, ट्राई करोगे खुद से करने, करो जल्दी से ट्राई करो। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें इसमें, तो फर्स्ट इक्वेशन में दो रूट जो आएंगे तुम्हारा फैक्टराइज हो जाएगा ये, राइट, क्या आ जाएगा हमारा एलाइड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस थ्री लैम्डा प्लस टू इक्वल टू जीरो, राइट, तो लैम्डा प्लस वन इंटू लैम्डा टू इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा वन माइनस वन है और लैम्डा टू माइनस टू है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा अभी, ए ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, यानी ए ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, लैम्डा तो हमने डाल दिया ना, तो ए ई टू द पावर माइनस टी एंड प्लस बी ई टू द पावर माइनस टू टी, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सोल्यूशन ही है, ठीक है। और फिर सेकेंड केस में क्या, रिपीटेड रूट आ रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो, राइट, तो विच इज लैम्डा प्लस वन होल स्क्वायर, तो लैम्डा मेरा माइनस वन आ गया, तो क्या सोल्यूशन आएगा मेरा, ए ई टू द पावर माइनस टी प्लस बी टी ई टू द पावर माइनस टी, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा। और लास्ट केस में हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, है ना, लास्ट वाले केस में देखोगे तो लैम्डा वन तुम्हारा आएगा माइनस टू माइनस आयोटा और लैम्डा टू आएगा माइनस टू प्लस आयोटा, राइट, यही आएंगे ना। लास्ट केस में एलाइड इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, है ना, तो इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, तो देखो माइनस बीटा प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, है ना, उसी फॉर्म का सोल्यूशन है ना, माइनस बीटा प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, तो ओमेगा हमारा क्या हो गया, वन हो गया, और बीटा मेरा क्या हो गया, बीटा मेरा टू हो गया, समझ गया कि नहीं, तो ए इट दर माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यही सॉल्यूशन आया, सभी का आ गया ये सॉल्यूशन, क्लियर है यहां तक सभी को, बोलो एब्सोल्युटली क्लियर, कैसे सॉल्व करते सेकेंड ऑर्डर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमेशा लगा सकते हैं मेथड, ठीक है,
व्हेनेवर यू हैव ऑल द थ्री डेरिवेटिव्स, आई मीन एक्स डबल डॉट, एक्स डॉट और एक्स जब है उनके, हाँ लीनियर मतलब क्या है, स्क्वायर नहीं आना चाहिए, एक्स डबल डॉट का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स डॉट का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आर एच एस मेरी जीरो होनी चाहिए, तो इसको होमोजीनियस भी बोलते हैं, ठीक है, जब आर एच एस जीरो होती है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन प्लॉट करते हैं, तो डैम्ड ऑसिलेशन का जो सॉल्यूशन है हमारा किस फॉर्म का है, एक्स डबल डॉट प्लस टू बीटा एक्स डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, इसका जो ओमेगा आया था हमारा सॉल्यूशन के अंदर दैट वाज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, राइट, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर आया था, लेकिन आयोटा बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अभी इसका सॉल्यूशन प्लॉट करेंगे, तो एक चीज देखो, ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी और क्या है हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसमें ये वाला जो फंक्शन है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, राइट, और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टू पाई बाय ओमेगा, वेयर ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, समझ में आ रही है बात की नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, टू बीटा इसीलिए रखा था उसको ताकि यहाँ पे बीटा स्क्वायर दिख जाए, नहीं तो यहाँ पे बीटा बाई टू का स्क्वायर आता, फिर फ्रैक्शन देख के मजा नहीं आता, ठीक है, याद करना भी मुश्किल हो जाता है, समझ गए, इसीलिए उसको टू बीटा रखा था ताकि यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रहे, ओके। अच्छा इसका टिपिकल प्लॉट कैसा होगा, तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये तो डिकेइंग फंक्शन है, ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, धीमे धीमे करके जीरो हो जाएगा, राइट, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो मुझे और ये वाला जो फंक्शन है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये प्लस वन से माइनस वन के बीच में ऑसिलेट करेगा, राइट, इसका मतलब क्या, ओवरऑल जो प्रोडक्ट है ये ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी को ओवरशूट नहीं करेगा और इसके माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसके मिरर इमेज को अंडरशूट नहीं करेगा, इज इट नॉट, क्योंकि जब माइनस वन होगा तो इसके एग्जैक्ट मिरर इमेज के बराबर होगा, तो मैंने क्या किया, पहले मिरर इमेजेस प्लॉट कर ली ऊपर और नीचे, ठीक है, और इसके बीच में मैंने ऑसिलेटिंग सॉल्यूशन ऐसे ऐसे करके प्लॉट कर लिया, समझ गए, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ओवरऑल तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम पीरियड की बात करते हैं, तो जब भी हम डैम्ड ऑसिलेशन में पीरियड की बात करते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड इन पीरियड ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई बाय जो भी है ये वाला ओमेगा, है ना, टू पाई बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, तो ये ग्राफ जो प्लॉट किया है इन नंबर्स के साथ प्लॉट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस ये दिखाने के लिए है, ओके। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या दिख रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो पीरियोडिकली मेरा डिके करते जा रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड धीमे धीमे कम होते जा रहा है, और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मोशन इज नॉट पीरियोडिक बट वी कैन कंसिडर पीक टू पीक टाइम इज सम काइंड ऑफ अ टाइम पीरियड विच करिस्पॉन्ड टू टाइम पीरियड ऑफ सिनुसॉइडल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, और वो टाइम पीरियड कितना आ गया हमारा, टू पाई बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ध्यान रहेगा, ठीक है, यू नीड टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, मतलब ठीक है हर चीज डेराइव हम करते जा रहे हैं लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो इसलिए फॉर्मूले याद भी रखने पड़ेंगे तुम लोगों को, ठीक है, तो अभी दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो क्या सॉल्यूशन था, ए ई टू द पावर माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, वेयर ओमेगा वाज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और टाइम पीरियड क्या आ गया मेरा, टू पाई बाय ओमेगा, क्लियर है, ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहां पे साफ साफ देख सकते हो क्या, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विदाउट डैम्पिंग, है ना, बीटा अगर मेरा बहुत छोटा है तो फिर एसएचएम जैसा ही टाइम पीरियड हो जाएगा, जो कि इसीलिए हम नॉर्मली डैम्पिंग को इग्नोर करके करते हैं, ठीक है, और इनफैक्ट कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट निकालना मुश्किल होगा, क्वेश्चन में अक्सर क्या होगा, बीटा बहुत स्मॉल दे रखा होगा, तो उस केस में इग्नोर कर सकते हो उसको, समझ गए कि नहीं, मान लो ओमेगा नॉट बहुत बड़ा है और बीटा बहुत छोटा है उसके मुकाबले, तो क्यों एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना अंडर रूट में, स्पेशली एबीसीडी में से अगर टिक करना है तो, डेसिमल वाला है तो एक अलग बात है, समझ में आई बात की नहीं, तो उस केस में हम सीधे ओमेगा नॉट के बराबर ही लिख देंगे, डैम्पिंग स्मॉल है तो ओमेगा नॉट के बराबर ही लिख सकते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे डैम्पिंग बढ़ती जाएगी तो बीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या होगा, मेरा टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, इज इट नॉट, और फिजिकली भी समझ में आ रहा है ना, डैम्पिंग अगर ज्यादा है तो दरवाजे को मेन पोजीशन तक पहुंचने में ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है, तो ज्यादा टाइम बाद वो क्लोज होगा, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, तो बीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा क्या होगा, ये टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, इंक्रीजेस विद डैम्पिंग टाइम पीरियड, ठीक है, और क्या देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिकेज एक्सपोनेंशियली एज ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी, तो दस आफ्टर एवरी टाइम पीरियड टी एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक एक टाइम पीरियड जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो है टाइम ये कम होते जाएगा, दिस शुड बी बीटा टाइम्स कैपिटल टी होना चाहिए, है ना, एक कैपिटल टी टाइम में ई टू द पावर बीटा टी हो जाएगा, राइट, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड घट रहा है इसलिए ई टू द पावर बीटा टी लिखा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज हम डिफाइन करते हैं, क्या चीज, डैम्पिंग डिक्रीमेंट, डैम्पिंग डिक्रीमेंट क्या होता है,
फैक्टर बाय विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जिस फैक्टर से हमारा एम्पलीट्यूड घट जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग डिक्रीमेंट। तो क्या हो गया हमारा डैम्पिंग डिक्रीमेंट, क्या आ गया, ई टू द पावर बीटा टी। ओके, और ज्यादातर जगह डैम्पिंग डिक्रीमेंट इतना टर्म नहीं यूज होता है, ज्यादातर जो टर्म मिलेगा तुम्हें इरोडो के क्वेश्चंस वगैरह में जो स्टैंडर्ड ध्यान रखना है वो है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या है, एज द नेम सजेस्ट, इट्स द लॉग ऑफ द डैम्पिंग डिक्रीमेंट, समझ गए। तो इसका नेचुरल लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा टाइम्स कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत जगह बहुत क्वेश्चंस में इरोडो के यूज हुआ है, बीटा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है। तो ये याद रखनी है इसकी डेफिनेशन, लैम्डा से इसको डिनोट किया, डोंट कंफ्यूज दिस लैम्डा विद दैट लैम्डा, ठीक है। ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के लिए मैंने लैम्डा यूज किया, तो समझ में आ गया, ठीक है। लॉग ऑफ ई टू द पावर बीटा टी दैट इज बीटा टी। और अब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के टर्म्स में हम एम्पलीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड क्या था मेरा, ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी था, तो बीटा को मैंने लैम्डा बाई कैपिटल टी रख दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ओके, सिंपल ही है, बस सब्स्टिट्यूशन है सिंपल। ओके, अब यहां पे एक चीज और डिफाइन करते हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशंस भी यहां पे ध्यान रख सकते हो। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है हम लोगों की, जितने टाइम में हमारा एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स हो जाता है, ठीक है, टाइम टेकन फॉर एम्पलीट्यूड टू डिके टू 1/e टाइम्स, उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टाइम कांस्टेंट को टाउ बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि तो मैथमेटिकली क्या है हमारा, यहां पे देखो, ओके, तो या तो मैथमेटिकली हमारा ए क्या है, ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टाउ इज ए नॉट बाई ई, ये पुट कर दिया, समझ, क्योंकि एम्पलीट्यूड मेरा 1/e टाइम्स हो रहा है ना, तो ये समझ में आई बात की नहीं, टाउ टाइम के बाद मेरा एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स हो रहा है, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, टाउ की वैल्यू आ गई 1/बीटा या फिर टी बाय लैम्डा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन ही है, समझ में आई बात की नहीं, जितने टाइम में हमारा ये 1/e टाइम्स हो गया, ठीक है, एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स हो गया। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, अच्छा एक टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ एक टाइम कांस्टेंट में कितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे, तो बस हमारा टाइम कांस्टेंट टाउ है, तो टाउ को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आ गए, ठीक है। तो बस फॉर्मूला है, और यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर हमारा कैसे डिफाइन होता है, क्वालिटी फैक्टर बस पाई बाय लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये जब हम बाद में फोर्स ऑसिलेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस की इसकी बात करेंगे, अभी बस ध्यान रख सकते हो। वैसे यहाँ पे हमने कैसे डिफाइन किया, इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन अ सिस्टम मेक्स ड्यूरिंग वन टाइम कॉन्स्टेंट, मतलब जितने टाइम तक हमारा यानी हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो डिके कर गया ई के फैक्टर से, उतने टाइम में कितनी साइकिल इसने कंप्लीट कर ली उसका मेजर है, एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं क्योंकि यहाँ पे पाई का फैक्टर भी आ रहा है, ठीक है, बट अदरवाइज क्वालिटी इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स द सिस्टम अंडरगोस बाय द टाइम इट्स एम्पलीट्यूड डिकेज बाय फैक्टर ऑफ ई, यस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनर्जी इन डैम्ड ऑसिलेशंस। तो देखो एनर्जी जो होती है हमारी, हमें पता है स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर है ना, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एनर्जी होती है। तो यहां पर भी एक्चुअली एग्जैक्ट एनर्जी का एक्सप्रेशन बीच में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, बट ऑलमोस्ट मुझे निकालना है कि कुछ साइकिल के बाद कितनी एनर्जी है, तो हम इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के टर्म्स में हम लोग बात कर सकते हैं। तो क्या होगी एनर्जी किसी भी जनरल टाइम पे, तो हाफ के ए स्क्वायर है ना, तो क्योंकि एम्पलीट्यूड मेरा ई टू द पावर माइनस बीटा टी से वेरी कर रहा है, यानी एनर्जी जो हो जाएगी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी ई टू द पावर माइनस 2 बीटा टी से वेरी करेगी, समझ में आई बात की नहीं। तो अगर इनिशियल एनर्जी मेरी ऑसिलेशन की ई नॉट है तो टी टाइम के बाद क्या एनर्जी हो जाएगी, ई नॉट ई टू द पावर माइनस 2 बीटा टी, आगे बात समझ में क्लियर है, दिस इज द वे एनर्जी विल वेरी इन दिस डैम्ड ऑसिलेशन। ये इंस्टेंटेनियसली ट्रू नहीं है, हर इंस्टेंट पे ट्रू नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ट्रू है, हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर साइकिल्स के बाद बताना है कि क्या होगा, एक्सट्रीम पोजिशंस पे एग्जैक्टली ट्रू है, ठीक है, लेकिन बीच में हल्का सा इसमें एरर है, बट ठीक है हम यूज करेंगे, ठीक है, जेई के पर्पज से हमेशा ये लगा देंगे हम लोग, समझ में आई बात की नहीं, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑसिलेशन में, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है इसको खुद से ट्राई करना, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, फिर तुम लोग खुद से इसको ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका मास कितना दे रखा है, 1.1 kg, ठीक है, और विस्कस डैम्पिंग है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 हर्ट्ज, कितनी दे रखी है फ्रीक्वेंसी, 10 हर्ट्ज, और क्या बोला, इफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स अ फुल साइकिल अपार्ट आर 4.65 mm एंड 4.3 mm, कंप्यूट द विस्कस डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को,
हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, हमें विस्कस डैम्पिंग कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, ट्राई करो, नहीं तो फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो कैसे करेंगे, हमको पता है कि सी बाई एम मेरा 2 बीटा था, राइट। ठीक है, तो सी मेरा यानी 2 बीटा m हो गया। तो हमको क्या दे रखा है, मास तो दे रखा है, अगर मेरा बीटा निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। ठीक है, अच्छा बीटा मेरा क्या है, देखो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मेरा क्या था, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट था मेरा बीटा टाइम्स टी, राइट। ठीक है नहीं, तो और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज ऑल्सो लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, समझ गए कि नहीं। तो यहां पे किस रेशियो में देखो एम्पलीट्यूड है, पहला ए नॉट तो तुम डाल सकते हो कितना 4.65, और ए डाल सकते हो 4.3, समझ गया कि नहीं, समझ में आ रही बात कि नहीं। क्योंकि बीटा इंटू टी है ना, तो टी को इधर ले जाओगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/T, फ्रीक्वेंसी हो जाता है, राइट। समझ में आ रही ना ये वाली इक्वेशन। तो क्या हो गया, अभी इसमें वैल्यूज बस डालनी है। तो न्यू तो मुझे दे रखा है, ए नॉट दे रखा है, ए दे रखा है, मास दे रखा है, तो इससे सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई। क्लियर है, सभी को आया समझ में? ठीक है, ओके आगे बढ़ सकते। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैकेनिकल की प्रॉब्लम्स देखते हैं, थोड़ा मैकेनिक्स में साथ में थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सिस्टम सब लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, एक सिस्टम नजर आ रहा है और मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन डेराइव करनी है। एक्चुअली तो देखो एसएचएम में भी क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार बन गई उसके बाद तो फिर सब कुछ कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बाद, है ना। तो मेन काम यहाँ पर भी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो फोर्स मेथड से बना सकते हैं या एनर्जी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, देखो यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे एक स्प्रिंग नजर आ रही है सभी को, स्प्रिंग है, फिर ये पुली है, मासलेस पुली, मासलेस पुली, और यहाँ पे फिर उसके बाद एक ब्लॉक टंगा हुआ और यहाँ पे डैम्पर लगा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक के जहां ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे एक डैम्पर कनेक्टेड है। तो डैम्पर की वजह से क्या होगा, अगर मान लो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजिशन यहाँ पे एक्स होता है, वापस यहाँ पे हम चेंज इन फोर्सेस में काम करने वाले हैं, क्योंकि मेन पोजीशन पे तो नेट फोर्स जीरो ही होता है ना, तो उससे हल्का सा शिफ्ट करके देखेंगे व्हाट आर द न्यू फोर्सेस कमिंग। तो जो चेंज इन फोर्स है वही नेट फोर्स है, राइट। तो मान लो ये एक्स डिस्प्लेस हुआ इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, डैम्पर से वेलोसिटी के अपोजिट सी एक्स डॉट फोर्स लगेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ये नीचे एक्स जाएगा तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाली स्प्रिंग 2x खींचनी चाहिए, समझ में आ रहा है, 1:2 का रेशियो होना चाहिए। अगर ब्लॉक एक्स यूनिट नीचे जाएगा तो स्प्रिंग में 2x एक्सटेंशन होगा, ये समझ में आ रही बात की नहीं, क्योंकि इन दोनों डोरियों को एक्स एक्स खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो डोरियां खींचनी है, तो इसके मतलब वहां से 2x की ढील चाहिए होगी। ठीक है, तो अब स्प्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, अगर 2x खींच गया तो 2kx, तो ये 2kx होगा टेंशन, ये 2kx, तो ये भी 2kx, ये भी 2kx, राइट। इसका मतलब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, 4kx। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं, तो 4kx ऊपर लग रहा है और सी एक्स डॉट ऊपर लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, अच्छा ये एडिशनल फोर्सेस ही लिखे हैं, तो मैंने एमजी को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, इज इट नॉट। एडिशनल फोर्स में एमजी और ओरिजिनल एक्सटेंशन तो बैलेंस्ड ही थे ना, तो एक्स्ट्रा फोर्स जो भी आया वही मेरा नेट फोर्स हो गया, राइट। तो जान के मैंने एमजी नहीं दिखाया यहाँ पे, समझ में आ रही बात की नहीं, मैंने मीन पोजिशन से ही सारे चेंज इन फोर्सेज ले लिए, राइट। ठीक है, तो अब क्या इक्वेशन बन जाएगी, -4kx -cx डॉट इक्वल टू m टाइम्स d2x/dt2, राइट। तो क्या हो जाएगा, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस 4kx इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा, अब इसको हम चाहें तो m से डिवाइड करके स्टैंडर्ड हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और टाइम पीरियड निकालना है तो वापस 2π अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। पूछा नहीं है, पूछा होता तो निकाल देते टाइम पीरियड इस तरह से, राइट। वेयर ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा मेरा, बोलो अंडर रूट ऑफ 4k/m, ठीक है, और बीटा क्या हो जाएगा c/2m, समझ में आया कि नहीं। तो इससे हम इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशंस करेगा ऐसे ऐसे करके, जाके फिर फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, छोड़ोगे तो, समझ में आया, क्लियर है। सेकेंड मेथड क्या है हमारा, एनर्जी मेथड। तो अभी बहुत ध्यान से सुनना है एनर्जी मेथड। तो यहाँ पे क्या है हमारा, डैम्पर जो है डिसिपेटिव फोर्स है, राइट। डैम्पिंग की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है, कोई भी एनर्जी लॉस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, विस्कस फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है, डैम्पिंग की वजह से लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, डैम्पर का जो भी पावर डेवलप्ड होगा दैट शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बोल सकते हैं कि नहीं। और डैम्पर का पावर डेवलप्ड क्या होगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है ना पावर, तो फोर्स कितना है डैम्पर का, सी एक्स डॉट इज द फोर्स डेवलप्ड बाय डैम्पर, और वेलोसिटी के अगेंस्ट है। इसका मतलब पावर डेवलप्ड बाय डैम्पर क्या होगा, -cx डॉट स्क्वायर, राइट। सी एक्स डॉट तो फोर्स हुआ, एक्स डॉट वेलोसिटी हुई, और सी एक्स डॉट और एक्स डॉट में आपस में 180 डिग्री का एंगल है, राइट। तो इसका मतलब पावर डेवलप्ड बाय डैम्पर क्या हो जाएगा मेरा, -cx डॉट स्क्वायर, राइट। और वो क्या होना चाहिए, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए सिस्टम का। ठीक है,
तो अगर एक्स डिस्टेंस चला गया हमारा यहाँ पे, अभी इसके लिए एक्स जो है नेचुरल लेंथ पोजीशन से मेजर कर रहा हूँ, जनरली एनर्जी मेथड में एक्स को नेचुरल लेंथ से सोचना ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर करो, वो सब अवॉइड करना चाह रहा हूँ, 2ab मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए मीन पोजीशन से ही एक्स ले लेता हूँ मैं एनर्जी मेथड में, तो समझ में आ रहा है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस mgx साइन थीटा, समझ में आ रहा है फिगर से। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के इंटू 2x का स्क्वायर। और वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम इंटू एक्स डॉट का स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड दिस शुड बी इक्वल टू द पावर डेवलप्ड बाय द डैम्पर, राइट। डैम्पर का पावर माइनस सी एक्स डॉट स्क्वायर। अब तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस सी एक्स डॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एक्स डॉट, फिर क्या आएगा 4kx एक्स डॉट, और फिर क्या आएगा एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट। ये समझ में आया, एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट कैसे आया, एक्स डॉट का स्क्वायर करोगे तो 2x डॉट इंटू एक्स डबल डॉट आएगा, राइट। तो ये समझ में आया डिफरेंशिएट जो किया हमने, सभी को क्लियर हुआ ये। अब क्या करेंगे, अब तो एसएचएम में हम इस तरह की चीजें करते हैं ना, क्या करते हैं, एक कॉमन टर्म कैंसिल कर देते हैं थ्रू आउट, क्या एक्स डॉट थ्रू आउट आ रहा है, एक एक्स डॉट को कैंसिल कर दो, ठीक है। एक्स डॉट, एक्स डॉट को कैंसिल कर दो और रीअरेंज कर लो। तो रीअरेंज करके क्या बन जाएगा मेरा, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 4kx माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तुम लोग बोलोगे यार यहाँ तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, एक कॉन्स्टेंट टर्म आ गया। कॉन्स्टेंट टर्म आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म से सिर्फ मीन पोजिशन चेंज पता चलता है हमको, बाकी एसएचएम का फ्रीक्वेंसी वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट टर्म आ भी रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्स के साथ कंबाइन करके इसको वाई पुट कर सकता हूँ, है ना। एक्स माइनस दिस कॉन्स्टेंट को वाई पुट कर दूंगा तो एक्स डॉट तो मेरा वाई डॉट के बराबर ही रहेगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है, और एक्स डबल डॉट जो है वो वाई डबल डॉट के बराबर ही रहेगा। तो मेरा क्या बन जाएगा फिर, एम वाई डबल डॉट प्लस सी वाई डॉट स्क्वायर प्लस 4ky इक्वल टू जीरो, समझ गए। तो एक बार मैंने करके दिखा दिया जस्ट टू इलस्ट्रेट की फर्क नहीं पड़ता कॉन्स्टेंट से। तो आगे से तुम लोगों को कॉन्स्टेंट आ भी रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हम हमेशा उसको मतलब बाकी का कॉन्स्टेंट को ड्रॉप करके बाकी से हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। तो समझ में आया ये सभी को। अच्छा, आई हैव मेड सम राइटिंग मिस्टेक, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, राइटो नॉट ए टाइपो, ओके। सो लेट मी करेक्ट माई राइटोज। यहाँ पे एक्स डॉट स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एक्स डॉट कैंसिल कर चुका हूँ, यहाँ पर भी नहीं आएगा, और यहाँ पर तो ठीक है लास्ट में, नहीं यहाँ पर भी नहीं आएगा, देयर इज नो स्क्वायर, ठीक है। अभी करेक्ट हो गया, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो कॉन्स्टेंट टर्म से हमारा जो है टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये बात ध्यान रखने लायक है, कॉन्स्टेंट टर्म से टाइम पीरियड पे कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग एनर्जी मेथड से हम लोग करने वाले हैं, तो देखते हैं कि है क्या एग्जाम्पल। ये सिस्टम दिया हुआ हमको, डेराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स वन। तो एक्स वन है क्या, तो ये जो ब्लॉक है मेरा एम वन का, उसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्स वन बोला, ठीक है। समझ में आ रहा है, बीच में एक लिंक लगा हुआ है, जो लिंक है वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बीच में फिक्स लिंक है जो कि रोटेट ऐसे ऐसे करने वाला है। इसका मतलब क्या, एम वन जब राइट में जाएगा तो एम टू लेफ्ट में जाएगा, और एम वन जब लेफ्ट में जाएगा तो एम टू राइट में जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, अच्छा एक्स वन और एक्स टू में कुछ रेशियो होगा, इज इट नॉट। अगर मान लो स्मॉल एंगल थीटा से मैंने टिल्ट किया, बीच वाला जो मासलेस लिंक दिया हुआ है वो अगर थीटा एंगल से टिल्ट हो गया, तो मुझको पता है एम वन जो है वो ए थीटा आगे जाएगा, राइट, और एम टू जो है वो बी थीटा पीछे की तरफ जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं। थीटा एंगल से जब ये लिंक टिल्ट होगा तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है हमको, ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, ओ ए जो है ए के बराबर दे रखा है, और ओ बी जो है स्मॉल बी के बराबर दे रखा है। तो जब ये लिंक थीटा एंगल से टिल्ट होगा तो ये ए थीटा और ये बी थीटा पीछे की तरफ जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। और डैम्पर्स के फिर पावर डेवलप क्या हो जाएंगे, माइनस सी एक्स वन डॉट स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सी एक्स टू डॉट स्क्वायर, ये दोनों डैम्पर्स का पावर हो जाएगा। और ये जो पावर है नेट, ये क्या हो जाएगा, सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी का रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सारी की सारी इक्वेशन एक्स वन वेरिएबल में चाहिए, तो एक्स टू और एक्स वन में सीधे सीधे रिलेशन पता है मुझे, इज इट नॉट। एक्स टू और एक्स वन का रेशियो क्या होगा, वही रेशियो होगा जो बी और ए का रेशियो है, इज इट नॉट। बी और ए के रेशियो में ही रहेंगे ना एक्स टू और एक्स वन, तो यही काम हम करने वाले हैं। तो सिचुएशन फिजिकल समझ में आई कि नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या लिखा, देखो मैंने एक जनरल कॉन्फिगरेशन ली, जब जो मेरा लिंक है वो थीटा एंगल से टिल्ट हो गया, तो जब ये थीटा एंगल से बीच वाला लिंक टिल्ट हो गया तो हमको पता है एक्स वन कितना है, एक्स वन इज ए थीटा एंड एक्स टू इज बी थीटा। एक्स टू मेरा पीछे की तरफ है, ठीक है, एक्स टू बी थीटा होगा और एक्स वन मेरा ए थीटा होगा। तो यानी एक्स टू क्या हो जाएगा, बी बाय ए टाइम्स एक्स वन हो जाएगा। यहां तक सेटल्ड है सभी के लिए, एक्स टू विल बी इक्वल टू बी बाय ए टाइम्स एक्स वन। तो आप सब कहीं पे भी एक्स टू जहां पे आ रहा है उसको मैं एक्स वन के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा, तो एक्स टू डॉट क्या हो जाएगा, बी बाय ए एक्स वन डॉट, है ना। एक्स टू डबल डॉट क्या हो जाएगा,
बी बाय ए एक्स वन डबल डॉट है ना। तो अब मैं एनर्जी मेथड यूज करता हूं, तो दोनों डैम्पर्स का मिला के पावर डेवलप क्या होगा, पावर डेवलप बाय बोथ द डैम्पर्स सी वन का सी वन माइनस सी वन एक्स वन डॉट स्क्वायर और सी टू का माइनस सी टू एक्स टू डॉट स्क्वायर, ये पावर डेवलप्ड हो गया दोनों डैम्पर्स का मिला के। दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वन एक्स वन डॉट स्क्वायर, ये क्या हुआ ऊपर वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी राइट, फिर हाफ के वन एक्स वन स्क्वायर ये ऊपर वाले सिस्टम का स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, फिर हाफ एम टू एक्स टू डॉट स्क्वायर ये क्या हुआ मेरा ये नीचे वाले सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और हाफ के टू एक्स टू स्क्वायर ये नीचे वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए ठीक है। इंडिविजुअली नहीं लगा सकते इसमें क्योंकि ये ऊपर नीचे वाले सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं इस लिंक के थ्रू, तो इंडिविजुअली नहीं कर सकते हम, लेकिन सिस्टम एज अ होल के लिए तो कर ही सकते हैं ना ठीक है। नेट डिसिपेटिव फोर्स का जो पावर है दैट शुड बी इक्वल टू नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ होल। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, तो देखो मुझे सारा कुछ x1 के टर्म्स में चाहिए, तो x2 डॉट को मैंने क्या पुट कर दिया, x2 मेरा था b by a x1, तो x2 डॉट हो गया b by a x1 डॉट, x2 डबल डॉट क्या हो गया b by a x1 डबल डॉट ठीक है। और b by a मैं कैरी नहीं करना चाह रहा, तो इसको b by a को मैंने म्यू बोल दिया ठीक है, तो म्यू x1 डबल डॉट वेयर म्यू इज b by a, समझ गए, जस्ट टू मेक इट इजियर। तो अभी क्या हो गया, तो मेरा लेफ्ट साइड पे क्या आ गया मेरा, अब x2 डॉट स्क्वायर को भी मैं x1 डॉट स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो लेफ्ट साइड क्या बन गया x1 डॉट स्क्वायर कॉमन लिया और अंदर में क्या आ गया c1 प्लस म्यू स्क्वायर c2। LHS क्लियर है, LHS समझ में आई कि नहीं ठीक है, c1 प्लस म्यू स्क्वायर c2 हो गया LHS में x1 डॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो, और RHS में क्या हो जाएगा d by dt of x1 डॉट स्क्वायर by 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा m1 प्लस म्यू स्क्वायर m2 आएगा ठीक है, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा मेरा k1 प्लस म्यू स्क्वायर k2 into x1 स्क्वायर by 2 आ जाएगा, समझ में आई बात कि नहीं ठीक है। अब तो बस डिफरेंशिएट किया पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया राइट हैंड साइड को और x1 डॉट थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे, अब तो डिफरेंशिएशन ही बाकी है ना, सब कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट इनटू x, उस तरह की टर्म्स दिख रहे हैं, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, RHS दिख रही है इसकी, डिफरेंशिएट कर दिया ऊपर वाले टर्म को म्यू के टर्म्स में रखा हुआ, और फिर अभी क्या है x1 डॉट थ्रू आउट मैं कैंसिल कर दूंगा, x1 डॉट को थ्रू आउट कैंसिल कर दूंगा, तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी m1 प्लस म्यू स्क्वायर m2 x1 डबल डॉट प्लस c1 प्लस म्यू स्क्वायर c2 x1 डॉट प्लस k1 प्लस म्यू स्क्वायर k2 x1 इज इक्वल टू 0 ठीक है। और अब ये मेरा स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इज इट नॉट, मतलब चाहो तो डिवाइड कर दो थ्रू आउट m1 प्लस म्यू स्क्वायर m2 से डिवाइड कर दो, तो उसी फॉर्म में चला गया ना x डबल डॉट प्लस 2 बीटा x डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब जो भी निकालना है सब कुछ निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना ही मेन होता है, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई उसके बाद सारी स्टैंडर्ड थ्योरी लगाते चले जाओ, समझ गए कि नहीं ठीक है, उसके बाद फिर कुछ भी पूछ सकते हैं कि कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा टी टाइम पे, सब चीज इसके बाद हम कर सकते हैं, मेन काम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। क्लियर हुआ, एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, ये क्या है मेरे पास, हाँ इरोडोव का एक क्वेश्चन था, उसी को मैंने बहुत ही जनरल करके एग्जांपल बना दिया, मतलब है मैथमेटिक्स ही, कुछ ज्यादा नहीं है, बट इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है मेरे पास, एक सर्टेन ऑसिलेटर है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉलो कर रहा है, एक्स डबल डॉट प्लस टू बीटा एक्स डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ओके। और क्या दे रखा, टी इक्वल टू जीरो पे उसकी पोजीशन क्या है, एक्स नॉट, टी इक्वल टू जीरो पे कहां से शुरू हो रहा है, एक्स नॉट से शुरू हो रहा है, और एक्स डॉट क्या है टी इक्वल टू जीरो पे, वो वी नॉट के बराबर है, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी दे रखी है और इनिशियल पोजीशन दे रखी है, तो एसएचएम में तो बहुत आसानी से काम हो जाता है हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, इट टर्न्स आउट यहां पे उतना आसान नहीं है, मतलब हो जाएगा लेकिन इतना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि e टू द पावर माइनस बीटा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल से दो टर्म्स निकलने वाले हैं, है ना, एसएचएम में तो सिर्फ एक ही टर्म रहता था, तो उसके बाद लेकिन मैथ्स ही है उसके बाद, मतलब मैथ्स लगा के ही काम करना है। तो क्या है, हमको पूछा गया है फाइंड ए एंड फाई इफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए टू द पावर माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, हमको ए और फाई की वैल्यू निकालनी है ओके। वंस अगेन दिस इज राइट टू, तो मैं इसको ठीक करता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे दिस शुड बी ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, दिस शुड बी ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो ओके। हाँ तो अभी हम लोग हमको पता है क्या, तो सॉल्यूशन का फॉर्म क्या है हमारा, एक्स इक्वल टू ए इट और माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फॉर्म का सॉल्यूशन है। अब इसमें टी इक्वल टू जीरो डाल दिया तो क्या आएगा, टी इक्वल टू जीरो डालोगे तो ए इट और माइनस बीटा टी, तो ई टू द माइनस बीटा टी तो वन हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ये सिर्फ ए कॉस फाइव बचेगा राइट ठीक है, ए कॉस फाइव इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया एक्स नॉट, ये पहली इक्वेशन आ गई, ए कॉस फाइव इज इक्वल टू एक्स नॉट।
दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, तो अभी देखो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करने थोड़ा झमेला हो रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो क्या होगा हमारा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा ई टू द पावर माइनस बीटा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरा टर्म क्या होगा, माइनस ए बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट रूल से दो टर्म्स आएंगे ना, ई टू द पावर माइनस बीटा टी और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव दोनों का। अब क्या करोगे, अब इसमें टी इक्वल टू जीरो डाल दो और जो गिवन वैल्यू उससे इक्वेट कर दो, तो एक्स डॉट एट टी इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, अब इसमें टाइम को जीरो डालो ऊपर वाले इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए ओमेगा साइन फाइव माइनस ए बीटा कॉस फाइव, अभी दो टर्म्स हैं, एंड दिस शुड बी इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसको, फिर ऊपर वाली इक्वेशन से मुझे ए कॉस फाइव पता है, ठीक है, ए कॉस फाइव पता है, अगर कॉस फाइव पता है तो मैं इसको साइन फाइव को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव लिख सकता हूँ, राइट। तो साइन फाइव को मैंने क्या लिख दिया, वन माइनस एक्स नॉट बाई ए का स्क्वायर का अंडर रूट, समझ में आई बात की नहीं, और ए कॉस फाइव को मैंने एक्स नॉट डाल दिया, समझ गए, तो ये मेरा बन गया। अब इसको फिर अभी तो बस रीअरेंज करना है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, वी नॉट प्लस बीटा एक्स नॉट बाय ओमेगा का होल स्क्वायर, तो बस इससे एम्पलीट्यूड कितना आ गया मेरे पास, ये मेरा एम्पलीट्यूड आ गया, समझ गया कि नहीं, ठीक है, ओके, वी नॉट प्लस बीटा एक्स नॉट बाय ओमेगा होल स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, ये मेरा एम्पलीट्यूड आ गया, और एम्पलीट्यूड आ गया, और फाई निकालना है तो मुझे कॉस फाई तो पता है एक्स नॉट बाय ए, अब कॉस फाई मुझे पता है तो सीधे सीधे फाई को कॉस इनवर्स मत लिख देना, क्योंकि कॉस फाई के लिए दो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, एम्पलीट्यूड तो मैंने पॉजिटिव कर ही दिया, ठीक है, बाय चॉइस मैं एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से मैं फाई को एडजस्ट करता हूँ। अब मुझे ये देखना पड़ेगा, अगर तो इनिशियल पोजिशन भी ग्रेटर देन जीरो और इनिशियल वेलोसिटी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरा फाई जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स को मुझे पॉजिटिव इंश्योर करना है, और अगर मेरा इनिशियल पोजिशन पॉजिटिव है वेलोसिटी नेगेटिव है तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह से वो देख लोगे लॉजिक से, समझ गया कि नहीं, एक चीज दोनों चीजें पॉजिटिव है, पोजिशन पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव तो कहाँ होना चाहिए फाई एटसेट्रा, क्योंकि वेलोसिटी का भी मेरे पास एक्सप्रेशन तो है ही ना, तो इसको भी मेरे को देखना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए फाई को क्या चूज करना है, और इसको भी मुझे देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए फाई को क्या चूज करना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके फाई हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये कॉमन सेंस से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। एक बार मुझे वेलोसिटी का साइन पता है इनिशियल और इनिशियल पोजीशन का साइन पता है तो फाई हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी बात कॉमन सेंस से तुम लोग निकाल सकते हो इक्वेशन देख के, समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग इरोडोव का एक्चुअल क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इरोडोव का एक्चुअल क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, यहाँ पे देखो दिस इज नाउ द एक्चुअल इरोडोव क्वेश्चन, वहां पे हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है, वहां पे क्या है, एक चीज को जीरो कर दिया, दो केसेस बनाए, एक केस में इनिशियल पोजीशन को जीरो कर दिया और एक केस में इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर दिया, थोड़ा सा हमारा अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा। क्या लिखा है देखो, अ पॉइंट परफॉर्म्स डैम्प्ड ऑसिलेशंस विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट बीटा अकॉर्डिंग टू द लॉ 4.1b, तो इरोडोव की 4.1b यही वाली इक्वेशन है, x इक्वल टू a नॉट इनटू द पावर माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारी इक्वेशन, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट एंड इनिशियल फेज अल्फा, वो बेसिकली फाई को अल्फा बोलता है, इसको मैं चाहूं तो यहाँ पे फाई लिख ही देता हूँ, दिस इज फाई एक्चुअली इंस्टेड ऑफ अल्फा, रीड इट एज फाई, इफ एट मोमेंट टी इक्वल टू जीरो द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी प्रोजेक्शन आर एक्स जीरो जीरो दे रखा है और वी एक्स 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 डॉट जीरो दे रखा है, ठीक है, पहले केस में, यानी इसको वी नॉट समझ लो, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी हमने दे रखी है, और दूसरे केस में क्या है, हमको इनिशियल पोजिशन कुछ है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो खुद से ट्राई करो इसको, और नहीं तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ट्राई करो थोड़ी देर 5 मिनट, नहीं होगा तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ट्राई करो। हाँ, तो इसमें तो बस सीधे इनिशियल, हमारे को दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, हमारे को इनिशियल पोजीशन दे रखी है और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो बस वो पिछला क्वेश्चन जैसे किया था उसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करके पुट करना है। तो फर्स्ट केस में हमको क्या दे रखा है, इनिशियल पोजीशन जीरो है, तो क्या बोलो करोगे, टी को जीरो डालो और एक्स मेरा जीरो डालो, तो क्या आ गया, पहली क्वेश्चन आ गई ए नॉट कॉस फाइव इक्वल टू जीरो, और फिर डिफरेंशिएट किया तो बिल्कुल ए नॉट इट माइनस बीटा टी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आएगा, माइनस बीटा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एंड माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें टाइम को जीरो डाला तो हमारा ये बन गया, और टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या दे रखी है मुझे, एक्स डॉट एक्स नॉट डॉट दे रखा है, ठीक है। अब ये इक्वेशन टू है और ये इक्वेशन वन है, इनमें दो ही अननोन्स है, क्या ए और फाइव, दो अननोन्स, दो इक्वेशन अभी सॉल्व करना है और प्रॉपर कॉमन सेंस के साथ देखना है कि कब फाइव पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है ताकि प्रॉपर साइन है हमारा वेलोसिटी और पोजीशन का। तो अभी इसमें क्या किया देखो, फर्स्ट इक्वेशन को टू में पुट कर दिया,
तो ए नॉट कॉस फाई तो जीरो ही हो गया मेरा, और बचा गया ए नॉट ओमेगा साइन फाई, और साइन फाई को मैंने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई रख दिया, ठीक है। और ये मेरा किसके बराबर है, एक्स एक्स नॉट डॉट के बराबर है। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, तो ये मेरे पास सीधे इससे ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, हाँ तो कॉस फाई तो मेरा जीरो ही है ना, कॉस फाई जीरो है, तो बस क्या आ गया, ए नॉट क्या आ गया मेरा एक्स डॉट बाय ओमेगा, माइनस साइन के साथ आता, लेकिन एम्पलीट्यूड को मैं हमेशा पॉजिटिव करना चाहता हूँ इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया। अब मेरे को क्या देखना है, अभी एक्स डॉट अगर पॉजिटिव है मेरा तो साइन फाई मेरा लेस देन जीरो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि साइन फाई मेरा लेस देन जीरो का तभी ये टर्म मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कॉस फाई तो मेरा जीरो ही है, तो ये टर्म पॉजिटिव करने के लिए क्या होना चाहिए, फाई मेरा माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा, ठीक है। कॉस फाई जीरो तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो प्लस फाइव बाई टू या माइनस फाइव बाई टू, तो माइनस फाइव बाई टू अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल आई मीन ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन जीरो है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरा वाला आ जाएगा प्लस फाइव बाई टू वाला, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट जो है हमारा, उसमें क्या दे रखा हमको, इनिशियल पोजीशन नॉन जीरो दे रखी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी, तो सेम इक्वेशन दोबारा से हैंडल करेंगे। तो वापस एक्स डॉट जीरो जीरो दे रखा है, तो एक्स नॉट इक्वल टू ए नॉट कॉस फाई आ जाएगा मेरा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में वापस डिफरेंशिएट करके पुट करोगे टी इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स डॉट जीरो इक्वल टू ए नॉट माइनस बीटा कॉस फाई एंड माइनस ओमेगा साइन फाई, ठीक है। अब बस इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में डाल दो, ठीक है। तो साइन फाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो ये मेरा बन गया। अब इसमें क्या करो, अब इसको रीअरेंज कर दो और ए नॉट के लिए इसको सॉल्व करना है, इस वाली इक्वेशन को। तो ए नॉट के लिए सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि मेरे को एम्पलीट्यूड को मैं पॉजिटिव ही देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है, ताकि एम्पलीट्यूड मेरा पॉजिटिव रहे। और टैन फाई क्या आ जाएगा, तो टैन फाई देखो इसी इक्वेशन को, इक्वेशन टू से ही समझ में आ रहा है, टैन फाई मेरा क्या आ जाएगा, माइनस बीटा बाय ओमेगा, ठीक है। टैन फाई मेरा माइनस बीटा बाय ओमेगा आ गया, तो सीधे फाई को टैन इनवर्स माइनस बीटा बाय ओमेगा नहीं लिख सकते, उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा केस है, क्योंकि टैन फाई माइनस बीटा बाय ओमेगा विल करस्पॉन्ड टू टू पॉसिबिलिटीज ऑफ फाई। तो यहां पर क्या है, अगर एक्स नॉट मेरा जीरो से बड़ा है तब तो सीधे टैन इनवर्स ऑफ माइनस बीटा बाय ओमेगा लिख सकते हैं, इज इट नॉट, क्योंकि ये समझो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया ना, टैन इनवर्स ऑफ माइनस बीटा बाय ओमेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस फाई मेरा पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो इसलिए ये सही है, टैन इनवर्स माइनस बीटा बाय ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे पाई ऐड करना पड़ेगा, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस फाई नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो इसलिए पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ माइनस बीटा बाय ओमेगा लिखा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन थीटा सेम आता है, ठीक है, 180 डिग्री अपोजिट पोजीशंस पे, ओके। तो इफ टैन फाई इज समथिंग देन फाई इज नॉट टैन इनवर्स ऑफ दैट थिंग, यू विल हैव टू कंसीडर द केसेस। तो बस ये हमारे पास आ गया, अगर एक्स नॉट मेरा लेस देन जीरो, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद डैम्प्ड ऑसिलेशन, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे और वो खत्म होने के बाद फिर हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशंस पे चलेंगे, ठीक है, थैंक्स।